जो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आइए आज हम सीखते हैं व्यंजन था। आप देख रहे हैं अपनी बुक में, आपको यहाँ पर व्यंजन था लिखा हुआ दिख रहा है। था से क्या होता है? था से थर्मस होता है। थर्मस में हम लोग क्या रखते हैं? थर्मस में हम लोग चाय रखते हैं या फिर पानी रखते हैं। और थर्मस में हम लोग जब चाय रखते हैं या गर्म पानी रखते हैं तो वो कैसा नहीं होता? ठंडा नहीं होता है, है ना। और भी था से बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे कि था से थैला होता है। थैले का हम लोग क्या यूज़ करते हैं? थैले में हम लोग मार्केट से सब्जी खरीद के लाते हैं या फिर कोई और सामान भी खरीद के रखते हैं। था से थाली भी होता है। थाली का क्या यूज़ होता है? थाली में मम्मा हमको क्या देती है? खाना परोस के देती है। हम लोग खाते हैं ना थाली में खाना, तो था से थाली भी होता है। था से थप्पड़। थप्पड़ कब पड़ता है बच्चों? जब हम लोग कोई गलती करते हैं तो मम्मा हमको थप्पड़ लगाती है, टीचर जी भी हमको थप्पड़ लगाती है। तो हमें क्या करना चाहिए? कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे कि हमको था से थप्पड़ पड़े। अंडरस्टैंड। था से थकावट। थकावट क्या होता है? थकावट होता है जब हम कोई काम करते हैं और कर करके बहुत थक जाते हैं तो हमें क्या हो जाता है? था से थकावट हो जाती है। ओके फिर था से थन। थन मींस गाय। देखिए आपने, गाय के थन से क्या मिलता है हमें? हेल्दी हेल्दी दूध मिलता है। दूध पी के क्या होता है? हम लोग सब हेल्दी हो जाते हैं। तो बच्चों था से थन से निकला हुआ दूध पीना हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है। फिर था से थर्मामीटर। थर्मामीटर का क्या यूज़ होता है? थर्मामीटर से हम लोग अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेक करते हैं कि हमको फीवर है या नहीं है। तो आज मैम ने आपको जितने भी शब्द बताए हैं था से शुरू होने वाले, आपको क्या करना है? अच्छे से उनको समझना है और लर्न भी करना है। और आज आपको मैम काम दे रही है था से थर्मस को अपनी कॉपी में लिखना है और अच्छे से लर्न करना है। अंडरस्टैंड? गुड।